इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 7। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। इस फ्लो चार्ट में बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है। प्लाज्मा में जो वाटर होता है, वाटर में डिजॉल्व स्टेट में ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 7% ये पोर्शन होता है, और 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। एक और होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है तो उसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बहुत ध्यान से ये छोटे छोटे डिफरेंसेस को समझिए ताकि आगे कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंसेस, छोटे छोटे कन्फ्यूजिंग जो टर्म्स होते हैं, इन्हीं टर्म्स पर बेस्ड होते हैं हमारे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं सवाल, और जो हमारे इंटरव्यूज में जो सवाल पूछे जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और बाकी बचा हुआ जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वह हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। आगे डिटेल में ये सभी बातें डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, कि हमारी बॉडी में जिस साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी। क्योंकि रिकॉल कीजिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है, और अभी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन करता है। तो कौन सी सिचुएशन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा और कौन सी सिचुएशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, तो ये डिपेंड करता है इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है टिश्यूज़ में, जो ब्लड सेल्स हैं जहाँ पे टिश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तो ये जो एनवायरनमेंट है, तो इस एनवायरनमेंट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होना शुरू हो जाता है, और एल्वियोलाई में या लंग्स में जस्ट ऑपोजिट एनवायरनमेंट है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो इस केस में अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके, और अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को पिक करना शुरू कर देगा। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा लंग्स में, और टिश्यू में हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कॉम्पिटिशन्स और इंटरव्यू के लिए खास हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट, कि हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयंस कैसे बनते हैं और ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आरबीसी में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और अपने स्टूडेंट्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज बायोलॉजिकल वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंजाइम है। अगर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में, एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। क्या रिएक्शन है ये, कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये कार्बोनिक एसिड फिर डिसोशिएट होता है तो बाइकार्बोनेट आयन बनता है और हाइड्रोजन आयन बनता है। तो ये दोनों स्टेप्स इसी एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होते हैं। और एक ख़ास बात आप देखिए, केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं तो जब इस तरह के निशान होते हैं, ये देखिए एरो दोनों तरफ दिखाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है
है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। दोनों डायरेक्शन का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे जो कि डिसोशिएट होगा बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, और रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी ये जब रिएक्शन जाएगा तो इस केस में बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे जो कि डिसोशिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये कैसे डिसाइड हो कि ये जो एंजाइम किस तरह से डिसाइड करे कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाया जाए, तो ये बात डिसाइड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप रिकॉल कीजिए तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो टिश्यू में ये जो रिएक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। लेकिन लंग्स में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, तो ये सेम जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज अब ये रिएक्शन को कैटेलाइज करना शुरू कर देगा रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि अब बाइकार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब एल्वियोलाई में रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया है कि बाइकार्बोनेट आयन्स कैसे बनते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि आगे अभी हम जो कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स को तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट मेंशन करे हैं, तो ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी अभी बताया है कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होने की वजह से बाइकार्बोनेट आयन बनता है और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होने की वजह से वही सेम रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होता है, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बन जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड अब एल्वियोलाई में रिलीज कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन किया है, इसको देख लेते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम हैम्बर्गर्स फिनोमिनन डिस्कस करेंगे और इस फिनोमिनन को हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है और बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनता है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कीजिए तो क्लोराइड शिफ्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जब टिश्यू से होके गुजरता है ब्लड तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से एंटर कर जाती है आरबीसी में, और आरबीसी में ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एज अ रिजल्ट कार्बोनिक एसिड बनेगा और ये कार्बोनिक एसिड अब डिसोशिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, और ये बाइकार्बोनेट आयन अब आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लाज्मा में आ जाएगा। तो रिकॉल कीजिए केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगता है किसी एनवायरनमेंट में तो वह सेम रिएक्शन अब रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ना शुरू हो जाए इस वजह से बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लाज्मा में आ जाता है, और ये नेगेटिव आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयन अब प्लाज्मा से आता है और आरबीसी में एंटर कर जाता है। तो एक नेगेटिव आयन आरबीसी से बाहर जा रहा है तो प्लाज्मा में प्रेजेंट क्लोराइड आयन उस नेगेटिव आयन को कंपनसेट करने के लिए आरबीसी के अंदर आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट होता है टिश्यू लेवल पे इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान या टिश्यू रेस्पिरेशन के दौरान क्लोराइड शिफ्ट होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है ये सारे टर्म्स हम पहले के प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर चुके हैं।
तो एक बार फिर से फटाफट समराइज करते हैं इस बात को। यहाँ पर एक और डायग्राम हमने दिखाया है, तो ये टिश्यू लेवल पे ये क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये बॉडी की सेल्स हैं और ये कैपिलरी की लाइनिंग है। तो बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब कैपिलरी के अंदर आ गई है और कैपिलरी में ये फिर अब ये आरबीसी के अंदर आ गई है। तो आरबीसी में ये देखिए, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से ये बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है और ये बाइकार्बोनेट आरबीसी में एक्यूमुलेट ना हो जाए, इस वजह से ये बाइकार्बोनेट आयन अब आरबीसी के बाहर आ रहा है। और इस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है वह आरबीसी के अंदर एंटर कर रहा है और इसी फिनोमिनन को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, जो कि एल्वियोलाई में होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान होता है। तो क्लोराइड शिफ्ट आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो अब वह सारे इवेंट्स अब बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे जब यह ब्लड लंग्स में आएगा। तो लंग्स में क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये प्लाज्मा के अंदर आएगा और यह बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा और जो डिसोशिएट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड अब रिलीज कर दी जाएगी और यह कार्बन डाइऑक्साइड अब एल्वियोलाई में एंटर होगी और यह एल्वियोलाई से अब बॉडी के बाहर निकाल दी जाएगी एक्सहलेशन के दौरान। तो अब वापस आइए इस सीक्वेंस पे, तो बाइकार्बोनेट आयन अब देखिए प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आ रहा है। तो आरबीसी में जो क्लोराइड आयन आया था टिश्यू लेवल पे, जो क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आया था, अब वह सेम क्लोराइड आयन अब आरबीसी को छोड़कर प्लाज्मा में वापस आ जाएगा। तो इस फिनोमिनन को हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है एल्वियोलाई में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ही आसान हैं कॉन्सेप्ट्स, बस अपने बेसिक्स को क्लियर करिए और कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से सीखिए। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ये सब फिनोमिनन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाल्डेन इफेक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो हमें लंग्स में देखने को मिलता है, इसे भी डिस्कस करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन ये ब्लड कैपिलरी के अंदर आएगी तो आरबीसी के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है वह इस ऑक्सीजन को पिक करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है और एज अ रिजल्ट ये हीमोग्लोबिन एच आयन को रिलीज करता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन है अब ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा और वह कार्बोनिक एसिड फिर डिसोशिएट होगा तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड अब एल्वियोलाई में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस इफेक्ट को हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये बोर इफेक्ट भी हमने बताया हुआ है इस डायग्राम में, यहाँ पर इसको नहीं बता रहे हैं हम, तो हम केवल हाल्डेन इफेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो ये इस डायग्राम का ये जो इतना हिस्सा है ये हाल्डेन इफेक्ट को बता रहा है। एक बार फिर से समझते हैं, हाल्डेन इफेक्ट हमें लंग्स में देखने को मिलता है, लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यह ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी के अंदर आती है और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, बिहेव करता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है और यह हाइड्रोजन आयन अब बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोशिएट होगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड अब एल्वियोलाई में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस फिनोमिनन को हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं।